धन्यवाद सभापति जी। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस मौके पर मैं अपनी ओर से विश्व की सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। उसके साथ ही मैं इस सदन के सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि इस विषय पर सदन चल गया, और केवल चला नहीं, हमारे साथी पुरुष सांसदों ने केवल हमारी बात सुनी नहीं बल्कि हमारे स्वर में स्वर मिलाकर हमारा साथ दिया। और सभापति जी, इससे आपका मानसिक तनाव कम हुआ, इसलिए आपकी तरफ से भी मैं यहाँ बैठे अपने सभी साथी सांसदों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। सभापति जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दिन हमें एक ऐसा मौका देता है जब हमें महिलाओं द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों की सराहना करनी चाहिए और जो कमियां हैं उन्हें पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए। जहां तक महिला आरक्षण बिल का सवाल है, मैं शुरू से इस बिल की समर्थक रही हूं और आज भी पुरजोर ढंग से समर्थक हूं। लेकिन आज मैं यहां खड़े होकर कुछ उन उपलब्धियों का भी बखान करना चाहूंगी जो आरक्षण के बिना भी महिलाओं ने प्राप्त की हैं, क्योंकि विदेश मंत्री के नाते मुझे जब दूसरे देशों में जाने का मौका मिलता है तो जेंडर एम्पावरमेंट एक आम विषय है जिस पर चर्चा होती ही है। उस समय मैं माथा ऊंचा करके कहती हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ महिला राष्ट्रपति बनी, जहाँ महिला प्रधानमंत्री बनी, जहाँ दो दो महिलाएं स्पीकर बनी, जहाँ अनेक प्रदेशों की मुख्यमंत्री महिलाएं बनी, जहाँ अनेक राष्ट्रीय दलों की अध्यक्षाएं महिला बनी। उसी के साथ साथ मुझे वो उपलब्धियां भी याद आती हैं जहां महिलाओं ने एकाधिकार का क्षेत्र पुरुषों का तोड़ा है। एक समय था पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, कमर्शियल पायलट, जिसकी बात तिरकी कर रहे थे, ये सब पुरुषों के एकाधिकार के क्षेत्र थे। आज महिलाएं आर्मी में कॉम्बैट ड्यूटी कर रही हैं, एयरफोर्स के जहाज उड़ा रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, कृत्रिम फुट से, आर्टिफिशियल पैर से एवरेस्ट को फतेह कर रही हैं। और अभी अभी इस 26 जनवरी को आपने देखा, जो बाइक्स के करतब होते थे वो पुरुषों का एकाधिकार था, लेकिन इस बार बीएसएफ की 161 जाबाज महिलाओं ने वो करतब भी राजपथ पर दिखा करके वो एकाधिकार भी तोड़ दिया। लेकिन मैं ये मानती हूं कि एक तरफ ये उपलब्धियों का आंकड़ा हमारा माथा ऊंचा करता है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उसमें से उपजी हुई उनकी पीड़ा हमारा माथा शर्म से नीचा भी करती है। इसलिए आज का ये दिन संकल्प लेने का दिन है कि इस अन्याय और पीड़ा को हम सहन नहीं करेंगे। और जब मैं हम कहती हूँ तो मैं मेन और वीमेन दोनों की बात करती हूँ, जब मैं हम कहती हूँ तो मैं पूरे समाज की बात करती हूँ, जब मैं हम कहती हूँ तो मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की बात करती हूँ। तो आज का दिन ये संकल्प लेने का दिन है कि केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारें, सभी सांसद, सभी विधायक और समाज का हर वर्ग जिस मानसिकता की बात मेरे भाई कर रहे थे उस मानसिकता को तोड़ने में लगेंगे और महिलाओं के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है और जिस तरह की पीड़ा हो रही है उसको हम कतई सहन नहीं करेंगे। ये एक मूवमेंट बनना चाहिए, ये एक आंदोलन बनना चाहिए, ये केवल एक सरकारी कार्यक्रम बनकर के नहीं रह जाना चाहिए। और उस जन आंदोलन की यदि भूमिका आज इस सदन से शुरू होती है तो मुझे लगता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वास्तव में हम सार्थक रूप से मना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, श्री विजय।